वही अगली खबर गुना से है, जहां यहां बड़ी खबर आ रही है, जहां चौचेड़ा तहसील के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण सिंह ने मंगलवार को स्मृति वन का भ्रमण करते हुए लोगों को पर्यावरण से जुड़े संदेश दिए। उन्होंने बताया कि युवाओं और बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। समाज सेवी पुष्पराग ने पक्षियों को बचाने और प्रवासी पक्षियों तथा अन्य पक्षियों को जंगल में आश्रय देने का संदेश भी दिया। इस दौरान चाचौड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने जंगल में पौधारोपण किया, साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए पुष्पराग के संघर्ष की प्रशंसा की। दौरिया जी द्वारा राजस्थान और बमौरी से 16 बंधुआ आदिवासियों को मुक्त कराने के साहसिक कार्य के लिए श्री लक्ष्मण सिंह जी ने हाथों सम्मानित करवाया गया। मैं बहुत प्रभावित हूँ हमारे पुष्पराग जी और इनके सभी साथियों ने प्रयास किया है। एक बंजर पठार को इन्होंने हरा भरा कर दिया है, सैकड़ों पेड़ लगाए, सैकड़ों पेड़ और लगाएंगे, हजारों। और लगाना एक बात, लगा के उसकी देखरेख करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका इन्होंने बहुत अच्छी तरह जिसकी व्यवस्था करी है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आइए, और विशेषकर बच्चों से, बच्चियों से, पाँचवीं और दसवीं क्लास के बीच के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो यहाँ आएँ और पर्यावरण की का महत्व को समझें, यहाँ के देखें। और मैं तो कहूँगा पुष्पराग जी जैसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयास है। और हम सब मिलकर आइए, मध्य प्रदेश को हरा भरा